आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तानाशाही का अंत होगा और 2024 के ही इस चुनाव में होगा। और मैं एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहती हूँ सामने आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए। और मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि इस देश को, अपने लोकतंत्र को और अपने संविधान को बचाने के लिए ये आखिरी मौका है। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर अपनी वोट की ताकत से इस तानाशाही को खत्म करना है। धन्यवाद। ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मेरा मानना है ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा देश जिस बात का इंतजार कर रहा था, लोकसभा चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, इस लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से तीन तीन बार के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव में प्रचार से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने वंचित किया था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने
इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरी दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। आज पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा देश खुश है, इस बात से प्रफुल्लित है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत के अंदर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कुर्बानी के दम पर जो संविधान मिला, लोकतंत्र के जो अलग अलग स्तंभ बने, आज भी इस तानाशाही के अंधकार युग में भी अपनी भूमिका को निभाए हैं, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये सत्य की जीत हुई है, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी सबूत के, बिना किसी FIR के, जिस तरह से अचानक उठा करके मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया, आज सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम बेल मिलने से एक बात साबित हुई है कि आज सत्य की जीत हुई है और लोगों में एक उम्मीद की किरण बंधी है। मैं पूरे दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो इस देश के अंदर हम सबने मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वोट की ताकत से इस देश से तानाशाही को खत्म करने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का जो अभियान चलाया है अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने से, ये और मजबूत होगा। पूरा देश मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगा और इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचा करके इस देश को और मजबूत करेगा। तो मैं पुनः सभी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आदित्य जी बात। वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी इन द कंट्री टुडे। ये जैसा सौरभ भाई ने मुझसे पहले बताया, जैसा आतिश जी ने मुझसे पहले बताया, जैसा गोपाल सर ने मुझसे पहले बताया, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ये बेल ग्रांट हुई है, इंटरिम बेल ग्रांट हुई है, PMLA जैसे संगीन प्रोविजन जहां लगे थे जिसका मकसद ही सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, भाजपाइयों की बयानबाजी के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के रखना था, लोकसभा चुनाव से बाहर रखना था। लाइक आकेश जी सेड बिफोर मी, ये लास्ट मौका है टू सेव डेमोक्रेसी एंड वी कॉल अपॉन द सिटीजंस, वी कॉल अपॉन द मीडिया, वी कॉल अपॉन ऑल ऑफ यू टू इंश्योर कि हम भी इस बार डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करें और लगातार देश में, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करें। थैंक यू। जिस पल का इंतजार देश के करोड़ों लोगों को था, ना केवल आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, लेकिन देश का जन जन जिस पल के लिए इंतजार कर रहा था कि कब अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने इस देश को एक ईमानदार राजनीति खड़ा करके दिखाया है, वो जेल से कब रिहा होंगे, वो पल आज आ गया है। इसमें केवल सत्यमेव जयते सबसे सटीक बैठता है। हम शुरुआत से कह रहे थे कि आप झूठ के कितने बड़े पुलिंदे खड़े कर करके दो साल से झूठ पे झूठ आप एक केस खड़ा कर रहे हो। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, एक नई पार्टी जिसको भाजपा खुद कहती है सुपारी जितनी पार्टी, लेकिन देश की सभी संस्थाएं, CBI, ED, IT
सब कुछ आम आदमी पार्टी के पीछे आपने छोड़ दिया, और यह भी देखने को पहली बार मिला देश में कि चुनाव घोषित होने के बाद एक नेशनल पार्टी के मुखिया को, कन्वीनर को आपने कैसे जेल के अंदर डाल डाला। और भाजपा लगातार कहती है कि नहीं जी, कानून व्यवस्था पर विश्वास रखिए। तो आज जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि हमें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, और आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। ये संकेत है कि कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और अब जितना समय ये 2024 के चुनाव में रह गए हैं, मुझे लगता है सही मायने में आज से 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू होगा। और देश की जनता, जहां आम आदमी पार्टी भी नहीं खड़ी रह रही है लेकिन इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, देश की जनता अब जाग जाएगी और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।